हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू। लेकिन अभी ये नींद से जागने का वक्त हो चुका है, क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया कि इस बार 2017 में चाइना में जो कि मिस वर्ल्ड का खिताब हो रहा था, वो भारतीय सुंदरी मानुषी चिल्लर ने जीत लिया है। तो आइए जानते हैं मानुषी चिल्लर के बारे में और इसके बाद भारतीयों का प्रदर्शन जो कि अब तक मिस वर्ल्ड के इतिहास में रहा है। तो सन 2017 में जो विजेता है मानुषी चिल्लर, इनका जन्म 14 मई 1997 को हरियाणा में हुआ था और इनके पिता डॉक्टर मित्रा बासु हैं जो कि डीआरडीओ में साइंटिस्ट हैं। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म मैं आपको पहले ही बता चुका था, इसके बारे में भी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनकी माँ नीलम चिल्लर एचओडी हैं एक न्यूरो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। और अगर बात की जाए तो मानुषी चिल्लर जो हैं कुचिपुड़ी में एक बहुत ही एक्सपर्ट डांसर हैं, जो कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। और इनको जो ट्रेन किया है, इनके जो ट्रेनर हैं वो है राधा रेड्डी। ठीक, इसके अलावा अगर बात की जाए तो मिस मानुषी चिल्लर 6th इंडियन हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। और 2017 में जो रनर अप रही हैं, फर्स्ट रनर अप हैं एंड्रिया मेजा जो कि मेक्सिको को बिलोंग करती हैं, और सेकंड रनर अप हैं स्टेफनी हिल जो कि इंग्लैंड को बिलोंग करती हैं। अब तक के इतिहास में मिस वर्ल्ड कंपटीशन के 6 भारतीय महिलाओं ने ये खिताब जीता है। पहली भारतीय महिला रीता फारिया थी जिन्होंने सन 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया और भारत को पहला मिस वर्ल्ड दिलाया। इसके बाद 1994 में ऐश्वर्या राय ने खिताब जीता, 1997 में डायना हेडन ने खिताब जीता, 1999 में युक्ता मुखी ने खिताब जीता, और सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने, और इस साल सन 2017 में मानुषी चिल्लर। सो ये रहा आपके लिए संक्षेप में मिस वर्ल्ड का इतिहास भारत के लिए और सन 2017 के लिए। सो आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, और फर्स्ट इंडियन टू विन मिस वर्ल्ड खिताब रीता फारिया है। ठीक, तो इस ये रहा आज के लिए बस इतना ही। ऐसी अगर बीच बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती रहेंगी तो वो उनको मैं आपके MCQs पे ना जोड़ते हुए अलग से आपको देता रहूँगा। टिल देन स्टे ट्यून, टाटा बाय बाय, थैंक यू।